हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सूर्यकांत टेक्निकल गुरु चैनल पे। आज हमारे पास मारुति सुजुकी की नेक्सा की एस्क्रॉस गाड़ी है, उस गाड़ी का हमको आज सर्विसिंग करना है। तो हम आपको आज की वीडियो में दिखाएंगे कि उस गाड़ी का ऑयल और ऑयल फिल्टर किस तरह से चेंज करना है। तो आप भी इस तरह से अपने पास टूल अगर हो गए तो आप इस गाड़ी का ऑयल चेंज कर सकते हो बड़ी आसान तरीके से। आज की वीडियो में हम ये दिखाने वाले हैं आपको। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट कर। तो ये डीजल गाड़ी है कि देखो, ये डीजल गाड़ी है, DDIS डीजल डायरेक्ट इग्निशन सिस्टम। तो जैसे कि हम आपको पूरी वीडियो में बताते कि गाड़ी स्टार्ट कर ले थोड़ी देर, यानी वार्म अप कर ले, यानी गर्म कर ले, उसके बाद में ही ऑयल ड्रेन करेंगे। अभी गाड़ी चल के आई है, इस वजह से ये गर्म है। तो हम इसको अभी बोनट ओपन करेंगे। तो यहाँ पे इसका लॉक रहता है, इस तरह से खींच लेते हैं। और यहाँ पे आने के बाद ये जो रॉड है यहाँ पे नीचे के साइड में दिया गया है, यहाँ पे नॉच को स्लाइड करना है और इसको बोनट ओपन करना है। ओके, इस तरह से इसका अंदर का लोकेशन है। और यहाँ पे आपको दिखा देती है, यहाँ डिस्ट्रिक है, देखो इधर डिस्ट्रिक है। ऑयल लेवल चेक करने का जो गेज रहता है, जो आप देख पा रहे होंगे, इसका जो ऑयल पूरी तरह से ब्लैक हो चुका है। ओके, तो इसकी सर्विसिंग आ चुकी है, तो हम इसका ऑयल चेंज करने वाले हैं। और ये है गाड़ी का ऑयल फिल्टर। हम आज की वीडियो में ऑयल और ऑयल फिल्टर चेंज करना है किस तरह से, वो बताएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, हमको ऑयल चेंज करने के लिए इस तरह से एक हैमर लगेगा और ये इस तरीके का हमको एक टूल लगेगा, जो कि ड्रेन बोल्ट ओपन करने के लिए। ओके, आप देख सकते हो इस तरह से ड्रेन बोल्ट का स्पैनर लगेगा। ओके, यहाँ T45 नंबर का हमको टूल लगेगा। तो इस तरह से मार्केट में मिल जाता है ये। ओके, और हमको ऑयल फिल्टर चेंज करने के लिए ये 27 नंबर का सॉकेट लगेगा। ओके, तो इस तरह से हमको ये टूल्स लगेंगे, और ये कॉटन वेस्ट, और एक इस तरह से पैन लगेगा ताकि हम यहाँ पे जो ख़राब ऑयल आएगा यहाँ पे हम कलेक्ट कर सकें। ओके, तो हम अभी गाड़ी के नीचे जाएंगे और इसका ऑयल ड्रेन करेंगे। तो फिर हम इसके नीचे अभी ये पानी डाल देते हैं ताकि हमारे जो कपड़े हैं वो गंदे ना हो, ख़राब ना हो। हम अभी इसके नीचे जाएंगे, लगाते हैं इस तरह से, थोड़ा सा इसको हैमरिंग कर देते हैं। देखो इस तरह से इसका ड्रेन बोल्ट रहता है और ये टूल यहाँ पे परफेक्टली लग जाता है यार। ओके, तो हम इसको ओपन करेंगे। इसको एंटी क्लॉकवाइज हम इसको ओपन करेंगे। देखो इस तरह से अगर हम थोड़ा सा हैमरिंग करते तो ये इजीली ओपन हो जाता है। प्रेशर दूर, इसको इस तरह से निकाल जाता है, प्रेशर से ये कलेक्ट हो जाता है यहाँ पे पूरी तरह ऑयल। ओके, देखो इस तरह से ये हम यहाँ ऑयल निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसका ऑयल फिल्टर ओपन करेंगे अभी। तो ऑयल फिल्टर ओपन करने के लिए 27 नंबर का हमको सॉकेट लग गया, हम इससे ओपन कर सकते हैं। या हमारे पास रिंग स्पैनर भी होगा तो उससे हम ओपन कर सकते हैं। इस तरह से इसका जो ऑयल फिल्टर है ओपन हो जाता है। तो इसको निकालते हैं अभी बाहर। तो इस तरह से ये बाहर निकल जाता है। ओके, पेपर वाला ऑयल फिल्टर है ये। बाकी अदर गाड़ियों में मेटल के ऑयल फिल्टर आते हैं, बट अंदर का जो पोर्शन रहता है वो पेपर का ही रहता है। जनरली डीजल गाड़ियों पेपर फिल्टर आता है इस तरह से। तो ये मारुति सुजुकी कंपनी का जीनियन पार्ट है ऑयल फिल्टर, जिसकी MRP 375 रुपये इसकी MRP है। तो इसको हम अभी लगाएंगे। तो इसकी ओरिंग भी हम चेंज कर लेते हैं, इसमें ओरिंग रहती है। ओके, ये ओरिंग हमको बॉक्स के साथ में मिलती है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे।
यहाँ पे ऑयल लगा लेते हैं ताकि ये नेक्स्ट जब हम ओपन करेंगे तब इजीली ओपन हो जाए और लीकेज ना हो। क्या होता है जब हम इसको टाइट करते रहते हैं तो ये मुड़ना नहीं चाहिए इस वजह से, और जब हम नेक्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे तब ये चिपक के नहीं रहना चाहिए, इस वजह से हमको इसको ऑयल लगाना पड़ता है एक लेयर ऑयल का। तो देखो इस तरह से यहाँ पे भी दोनों जो ओरिंग्स है इसमें ऑयल की एक लेयर लगा लें, तो इसको इस तरह से इस डायरेक्शन में फिट करें। तो इसको टाइट कर लेते हैं क्लॉकवाइज अच्छे से। ओके, फुल टाइट, ओवर टाइट नहीं करना है क्योंकि ये प्लास्टिक मटेरियल रहता है। ओके, जाएंगे गाड़ी के नीचे और जो ड्रेन प्लग है यहाँ पे देखो हमने बॉन्ड लगा दिए ताकि लीकेज ना हो, कोई किसी भी टाइप का इसमें लीकेज के चांसेस नहीं रहना चाहिए, इस वजह से हमने इसमें बॉन्ड लगा दिए है। ओके, जैसे कंपनी में फिटिंग करके आता है उस वक्त भी यहाँ पे जब पहली सर्विसिंग होती है तो यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड लगाया जाता है कंपनी में भी ताकि ये लीकेज ना हो। ओके, तो हम इसमें बॉन्ड लगा दिए, अब इसको हम लगा दिए। ओके, तो इसमें अब जाएंगे, पहले हम इसको कर लेते बाजू। ओके, पकड़ा था ये पोर्शन जो है हम पहले इसका क्लीन कर लेते हैं अच्छी तरीके से। ओके, और इसको क्लॉक वाइज हम इसको लगा देंगे, पहले हाथ से ही हम इसको टाइट करना है, इसके बाद में हम स्पैनर यूज करेंगे और इसको ओवर टाइट नहीं करना है, ओवर टाइट करते हैं तो इसके लीकेज के चांसेस हो जाते हैं, स्लिप होने के चांसेस रहते हैं, इस वजह से इसको ओवर टाइट ना करें। ओके ओके, तो हम इसमें ऑयल फिल करेंगे अभी। फ्रेंड्स, हम इसमें ऑयल फिल करेंगे, ये हमारे पास मोबिल कंपनी का ऑयल है, इसमें 3.5 लीटर इसमें ऑयल है और इस गाड़ी में कैपेसिटी, इस गाड़ी की कैपेसिटी है 3 लीटर 200 ml, इसकी 3.2 की कैपेसिटी है, तो इसमें से हमने 300 ml जो है ऑयल हमने इसमें निकाल लिए है। ओके, तो अब इसमें ऑयल हम इंसर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें ऑयल इंसर्ट कर दिए है, अब हम इसका लेवल चेक करेंगे। ओके, तो ये लेवल देखो यहाँ पे थोड़ा सा लेवल के ऊपर दिखा रहा है। ओके, आप दिख रहा होगा लेवल के थोड़ा सा ऊपर दिखा रहा है, हम जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे तब ये पूरा ऑयल फिल्टर में ये सर्कुलेट होने के बाद ये ऑयल अपने लेवल में दिखाएगा, अगर कम होगा तो हम इसमें लेवल टॉपअप कर देंगे। ओके, तो हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, बाद में इसका हम जो है लेवल वो दिखाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, हम इसका ऑयल लेवल अभी चेक करेंगे। ओके, देखो तो इसका ऑयल लेवल यहाँ तक के आ चुका है, आप देख पा रहे होगे। ओके, फिर से एक बार हम आपको इसको आपको दिखाएंगे, इसको इंसर्ट करेंगे। देखो यहाँ पे ऑयल लेवल आ चुका है जहाँ पे हमको इसको होना चाहिए। ओके, ये मैक्सिमम लेवल है और ये जो छोटी लेवल है मिनिमम लेवल है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम गाड़ी का जो है ऑयल चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सुजुकी, मारुति सुजुकी कंपनी का एस्ट्रो गाड़ी का ऑयल चेंज वाला वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को लाइक करें और कुछ क्वेरीज होगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।